देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में होता क्या है सर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब हम जानते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं रहता, वो डेविएट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी डेंसिटी जो है उसकी डेंसिटी अलग अलग होगी। हो सकता है मीडियम की डेंसिटी, हो सकता है पहला मीडियम थोड़ा रेयरर हो और दूसरा मीडियम थोड़ा सा डेंसर हो। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब ये कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेरी ऑप्टिकल डेंसिटीज। तो एयर की अलग अलग लेयर होती है एटमॉस्फेयर में। अगर मान लीजिए हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में जो एयर की डेंसिटी है वो थोड़ी अलग होगी। अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं, मतलब हम कोई किसी प्लेन में बैठे हैं या प्लेट में बैठे, बैठने का भी आप छोड़िए, अगर मान लीजिए हम कहीं माउंटेनियस रीजन पर जाते हैं तो जब माउंटेन के बिल्कुल बेस में आप होते हैं तो तब तो डेंसिटी एयर की अलग होती है। जैसे 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 जैसे, जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो आपको लगने लगता है कि अब एयर थोड़ी सी क्लीनर हो गई, अब एयर में डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, अब एयर में अदर पॉल्यूटेंट्स नहीं है। तो क्या होता है कि हर एक लेयर पर एटमोसफियर की हर एक लेयर पर जो डेंसिटी होती है एयर की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो जब अलग अलग डेंसिटी होती है तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत डेविएशन तो रे ऑफ लाइट्स में होगा ना भाई। अगर रेयर से डेंसर में भी रे ऑफ लाइट जाती है तो रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका मतलब अगर अलग अलग हम एयर की डेंसिटीज की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हर एक लेयर पर ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होगी। और जब एयर की डेंसिटी अलग अलग होगी हर लेयर पर तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए, ये सभी यस सर, को यस क्लियर सर। है? ठीक है, अच्छा अगर मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा है और जो थोड़ा बहुत समझाने वाला पोर्शन था जिसमें हमारा बायोटिक आई मतलब डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन था वो हट गया है सर। तो अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी पूछा जाता है ना तो उसमें भी एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ दिखा दीजिएगा सन, बता लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर मैंने चार लेयर्स दिखा दी ना सर, मैंने कितनी सारी लेयर्स होती है, मैंने चार लेयर्स दिखा दी। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में हम इनको नाम दे देंगे लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर और लेयर फाइव। ठीक है, तो जब सन से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो हो सकता है ये थोड़ी आगे की जो लेयर है वो थोड़ी सी और लेयर हो तो ये ऐसे मूव कर सकती है। फिर जब यहां टकराएगी हो सकता है ये थोड़ी डेंसर हो तो ये ऐसे मूव कर सकती है, हो सकता है फिर ये थोड़ी और डेंसर हो तो ये और ऐसे मूव कर सकती है, हो सकता है कि ये अब थोड़ी सी लेयर हो जाए तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे मूव कर सकती है। ठीक है, तो अलग अलग लेयर पर अलग अलग रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि जो रे ऑफ लाइट है वो डेविएट हो रही है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ये क्यों होता है, क्योंकि हर लेयर जो होती है ना एटमोस्फियर की उसकी डेंसिटी अलग होती है।
ये सब बच्चों को क्लियर है इतना बताइए। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। बस इतना बना दीजिएगा, इतना भी आप इतना डायग्राम बना रहे हैं तो भी एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने डायग्रामेटिकली एक चीज को एक्सप्लेन कराया, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के काफी सारे एप्लीकेशंस हैं और उन एप्लीकेशंस पर ना क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा उनके अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं। तो पहला देखते हैं, इसका पहला एप्लीकेशन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तो लास्ट ईयर के पेपर हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि मतलब इतनी बार पूछा गया है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, पूछा जाता है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो ये न जाने कितनी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स या व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल या हाउ डू स्टार्स ट्विंकल, इसको आपको प्रॉपर रीजन देकर एक्सप्लेन करना है, मैं बता रहा हूँ उसमें। और चार पांच पॉइंट्स जब भी अभी आप आंसर बताएंगे, कोई भी रीजनिंग वाला आंसर होगा तो पॉइंट्स में बताएंगे। पहला पॉइंट, व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, when the light coming from a star enters the Earth's atmosphere, enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction It undergoes refraction It undergoes refraction due to the varying optical densities of air due to the varying optical densities of air at various altitudes. At various altitudes. Altitude का मतलब height होता है. Next point लिखेंगे. This continuously changing atmosphere. This continuously changing atmosphere refracts the light from the stars the light from the stars by different amounts from one moment to the next from one moment to the next
by different amounts from one moment to the next. Next point लिखेंगे. In this way, the starlight reaching our eyes the starlight reaching our eyes increases, in this way the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously. सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सर इसका तो कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था हमारे पेपर में. ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन आया था, मतलब क्या अभी जब एग्जाम हुआ था सिलेबस में है या नहीं? जब यस सर स्कूल के एग्जाम में और बनने भी दोनों में यस सर जब स्कूल गए थे यस सर. हां तो नहीं दिया होगा, टीचर ने दिया नहीं होगा, पर सिलेबस में ये है और इंपॉर्टेंट है, मतलब लास्ट ईयर एग्जाम्स में बहुत आया है. ओके सर. हाँ, इन दिस वे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कंटीन्यूअसली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. And the star appears to twinkle at night. And the stars appear to twinkle at night. To twinkle at night. तो स्टार्स की जो रोशनी होती है, स्टार्स की जो लाइट होती है, वो जब अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर्स से ट्रेवल करती हुई आती है तो हर एटमॉस्फेरिक लेयर पर अलग एयर की डेंसिटी होती है. तो उस डेंसिटी की वजह से कहीं पर ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, कहीं पर कम रिफ्रैक्शन होता है. तो जो लाइट रेज है ना, जो स्टार्स से जो लाइट रेज आ रही है, वो कई बार ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, कई बार कम रिफ्रैक्ट होगी. वो ऐसे 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 डेविएट होते हुए जब हमारी आंखों तक पहुंचती है. तो अगर एक स्ट्रेट लाइट हमारी आंखों तक आ रही होती तो हमको वो सीधा सिर्फ चमकते हुए दिखाई देते. लेकिन वो जो लाइट रेज है वो लगातार रिफ्रैक्ट होते हुए, मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए, धीरे धीरे ज़िगज़ैग पाथ फॉलो करते हुए वो नीचे आती है. दैट्स व्हाई स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट. जब आप रात में स्टार्स को देखते हैं तो हमको वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं. सभी को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर. यस सर. देखिए हमने ये कहा, when the light coming from a star enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction due to varying optical densities of air at various altitudes. Altitude का मतलब क्या है कि अलग अलग हाइट पर एयर का जो डेंसिटी है वो अलग होगी. भाई कहीं पर डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा है, कहीं पर नाइट्रोजन गैस ज्यादा है, कहीं पर सोचिए तो ऑक्सीजन ज्यादा है, और कहीं पर पॉल्यूटेंट्स ज्यादा है. तो कहीं पर ज्यादा डेंस होगी, ज्यादा जहां पर गैसेस होगी वहां ज्यादा डेंसिटी होगी, जहां कम गैसेस होगी वहां कम डेंसिटी होगी. तो जितनी डेंसिटी कम होगी उतनी ही वो रिफ्रैक्ट ज्यादा होगी, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी वो कम रिफ्रैक्ट होगी. कम रिफ्रैक्ट मतलब वो मुड़ जाएगी नॉर्मल की तरफ, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. कुल मिलाकर कहानी क्या है कि अलग अलग लेयर पर अलग अलग डेंसिटी होगी एयर की, तो वो बार 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 अपना ना पाथ चेंज करती रहेगी लाइट. जब उसका पाथ बार बार चेंज होगा, दिस कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर लगातार चेंज हो रहा है हर लेयर पर, रिफ्रैक्ट्स द लाइट फ्रॉम द स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट. अलग 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 अमाउंट का रिफ्रैक्शन होता रहेगा. इन दिस वे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज, तो जब वो जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा पाथ फॉलो करते हुए
जब वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो हमें लगेगा कि कहीं लाइट बढ़ रही है कहीं लाइट ऐसी हो रही है, तो हमको स्टार्स जो है वो अलग अलग ट्विंकल करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, हालांकि ये चीज हम बुक में पढ़ रहे हैं, हम रहते हैं जिस शहर में, तो यहाँ पर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि हम जो स्टार्स हैं उनको हम क्लियरली नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप कहीं पर भी ऐसी जगह जाएंगे, मान लीजिए कहीं भी हिल स्टेशन पर जाएंगे, हिली एरिया में जाएंगे, माउंटेनियस रीजन हो, या आप ऐसे रीजन में जाएंगे जहाँ कोस्टल रीजन नजदीक हो, तो वहां पर पॉल्यूशन बहुत कम होता है, तो वहां आपको आसमान साफ दिखाई देगा और वहां पर आप स्टार्स को भी देख सकते हैं कि स्टार्स बहुत अच्छे से ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। सभी को क्लियर है इतना? बेटा सभी को क्लियर है? अक्षत क्लियर यस सर। है बेटा? बताइए अक्षत, रुचिर, यस सर। यस सर। अर्पिता, आस्था, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, पार्थ, रोहन, रुद्रांश, यस सर। यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट है, द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं, खूब आए हैं लास्ट ईयर के पेपर्स, आप उठाकर देखना, खूब मिलेंगे। द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। द स्टार्स सीम higher than the stars seem higher than they sir हाँ जी सर, ये भी तो पॉसिबल है कि स्टार की लोकेशन भी अलग हो, क्या पता लाइट बैंड करके आ रही हो हमारी आईज में, लोकेशन भी तो दूर दूर हो सकती है। दोबारा बताइए एक बार प्लीज, थोड़ी आवाज धीमी आ रही थी सर। जैसे ये जरूरी थोड़ी ना है कि उसी डायरेक्शन में होगा स्टार जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं सर, लाइट तो बेंड करके आ सकती है ना बहुत जगह से, बीच में प्लैनेट्स वगैरह से, पता है क्या? तो दूर किसी, हाँ मैं बता रहा हूँ एक मिनट, क्या है कि ये अच्छा हुआ तुमने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि क्या है कि मैं जब सनलाइट की बात कर रहा हूँ, जब मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ, तो सनलाइट के केस में भी तो लाइट ऐसे 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 रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, तो सूरज क्यों नहीं मेरे को अलग 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 तरीके से ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता? ठीक है ना, सन भी तो मेरे को ट्विंकल करता हुआ दिखाई देना चाहिए। सन के बारे में तो हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि स्टार्स का और सन का अगर कंपैरिजन करें, तो जो सनलाइट होती है वो सनलाइट, साइज को छोड़ते हैं, दूसरी चीज बता रहा, जैसे सन है तो अगर हम सनलाइट की बात करते हैं, तो सनलाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें रिफ्रैक्शन देखने ही नहीं देती, रिफ्रैक्शन होता है इस केस में भी, तो सन की जो लाइट है वो इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि वो पूरी की पूरी जो अर्थ है, जहां पर भी सन जिस टाइम राइज हो रखा है, वो पूरी अर्थ पर सब जगह रोशनी ही रोशनी कर देती है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर इस रूम के अंदर मान लीजिए हमने रोशनी कर रखी है, रोशनी करने पर हम अपने मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं और मोबाइल को ऐसे 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 हम मिलाने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि लाइट जो है वो लाइट आपको ऐसे 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 ट्विंकल करती हुई नजर आएंगे आप। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। अगर मान लो ये तो चलो इसकी बात हुई, अंधेरा करने पर हमको वो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन अगर हमने पूरी रोशनी कर रखी है और मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं और उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो फिर बिल्कुल कोई ट्विंकलिंग नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रूम के अंदर रोशनी है। तो जब सन निकलता है तो पूरे एटमॉस्फेयर में इतनी रोशनी हो जाती है, इतनी लाइट हो जाती है कि हमें वो ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता। रिफ्रैक्शन जो है होता तब भी है, पर डे टाइम में नहीं दिखाई देता। इसीलिए लास्ट में जो लिखा हुआ है ट्विंकल एट नाइट, ये नाइट जो हमने वर्ड लिखा है, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्यों? आप ये कहेंगे ये क्या बात है, ट्विंकल एट नाइट, स्टार्स तो निकलते ही रात में है। ठीक है, स्टार्स हमेशा होते हैं पूरे एटमोसफियर में, स्टार्स हमें दिखाई रात में देते हैं। रीजन क्या है कि जब पूरा के पूरे एटमॉस्फेयर में से जब सूरज छुप जाता है और रात हो जाती है, तो पूरे एटमॉस्फेयर में फिर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। अब उस अंधेरे में जब स्टार से रोशनी आ रही है, तो वो डिफरेंट अमाउंट के रिफ्रैक्शन की वजह से मेरे को स्टार जो है टिमटिमाता हुआ, यानी कि ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। अब हमारा सवाल यह है कि जरूरी है
जिस जो मेरी लाइन ऑफ साइट हो एक स्टार को देखने के लिए वहीं से लाइट आ रही हो, यही पूछ रहे हैं आप? दिवस यस सर, क्वेश्चन यही था ना कि जो आपकी लाइन ऑफ साइट है और जो स्टार से जो लाइट आ रही है वो अगर सेम पाथ में है तभी तो मैं उसको देख पाऊंगा। एक्चुअल में है क्या कि अगर मेरी वो लाइन ऑफ साइट चलो अलग भी हो गई तो भी कोई फर्क नहीं, मैं जहां भी देखूंगा मुझे स्टार्स ही स्टार्स नजर आएंगे, क्योंकि सन तो एक अकेला होता है। ठीक, जिस डायरेक्शन में सूरज निकला हुआ है मैं सूरज को नहीं देख पाता, उसके दूसरी डायरेक्शन में या इधर उधर मैं देख लेता हूँ आसमान को, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज लाइट होती है, मैं मतलब एक मिनट ज्यादा से ज्यादा देख पाऊंगा या एक मिनट भी नहीं, आंखें खराब हो जाएंगी। ठीक, तो होता क्या है कि पूरे एटमोसफियर में चारों तरफ पूरे आसमान में पूरे स्काई में स्टार्स ही स्टार्स होते हैं, तो अगर मेरी लाइन ऑफ साइट एक स्टार को मिस कर गई तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे किसी न किसी स्टार को तो मैच कर ही जाएगी ना। ठीक है सर, उस केस में आता है बोलते हैं छोटा वर्ड पड़ा तो वो बच्चे जाए। अरे वो तो कोई भी एस्ट्रोनॉट बताएगा आपको, छोड़ो ना। सर एक बात और है, कई स्टार्स को रोशनी ना से मिलती है। एक मिनट रुकिए, हां जी पहले ये बताओ ये चीज क्लियर है? यस सर। बताओ दिवस। यस सर। ठीक है, लेकिन किसी जगह तो है ना, जो मून है मून की भी जो रोशनी है वो भी तो सन से ही है, तो स्टार्स को भी उनसे सकता है। चलिए जी, तो अब जरा इसको देखते हैं ना, स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। जो स्टार्स होते हैं ना, स्टार उतनी ज्यादा हाइट पर होते नहीं है जितने ज्यादा दूर हमको दिखाई देते हैं, वो इतना दूर नहीं होते, दूर तो होते हैं बहुत दूर होते हैं पर इतना दूर नहीं होते जितना हमको दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्स जो हैं वो हमसे 1 करोड़ या 2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है तो वो शायद मेरे को 2 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर दिखाई दे, ठीक है ना, तो उसकी हाइट जो है स्टार्स की वो जितनी होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। देखिएगा अब जरा रीजन देखिए इसका, लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्लेक्टेड एज इट लीव्स स्पेस। Light from a star is refracted as it leaves the space. Space को space क्यों बोलते हैं? अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि I am a good person, अगर हम ये लिख रहे हैं तो आई के और एम के बीच में क्या है? स्पेस। एम के और ए के इसके बीच में क्या है? स्पेस। स्पेस का मतलब होता है बेटा खाली जगह, स्पेस का मतलब खाली जगह, एम्प्टी एम्प्टी प्लेस, उसको स्पेस बोल देते हैं। ठीक है, तो स्पेस को स्पेस इस वजह से बोला जाता है कि वहां पर कुछ नहीं होता, सब खाली जगह होती है, इसलिए उसको स्पेस बोला जाता है। कुछ नहीं होता तो इसका मतलब वहां पर गैसेस भी नहीं होती, जब गैसेस नहीं होती है तो इसका मतलब जहां पर गैसेस नहीं होती ऐसे प्लेस को ही तो हम वैक्यूम बोलते हैं, तो इसलिए स्पेस को हम वैक्यूम भी बोल देते हैं, VACUM, वैक्यूम। लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्रेक्टेड एज इट लीव्स स्पेस, स्पेलिंग ट्रिक कर देना, VACUM होता है। As it leaves space or vacuum and enters the Earth's atmosphere, and enters the Earth's atmosphere, enters the Earth's atmosphere. अच्छा, here higher up in the sky is rarer.
here, higher up in the sky is rarer. का मतलब क्या है कि सीधी सीधी बात है, एयर हायर अप इन द स्काई वहां पर क्या होगी, एयर रेयर ही होगी, रेयर मतलब खुला हुआ होगा, गैसेस कम होगी, ना के बराबर होगी. एयर हायर अप इन द स्काई इज रेयर बट दैट नियर द अर्थ सरफेस इज डेंसर, बट दैट नियर द अर्थ सरफेस is denser. That near the Earth's surface is denser. So as the light from a star comes down, the dense air bends the light more. So as the light from a star comes down, light from a star As the light from a star comes down, the dense air bends the light more. The dense air bends the light more. The dense air bends the light more. Full stop. Due to this refraction of star's light, the star appears to be at a higher position. The star appears to be at a higher position. The star appears to be at a higher position. The star appears to be at a higher position. अभी इस चीज को समझाता हूँ. पहले आप ये जो इतनी थ्योरी है इतना नोट कर लीजिए, अभी इसको समझाता हूँ. यहां पर लिखेंगे एक्चुअल पोजीशन. Star seems higher. Bending of star's light
ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन bending of star's light due to atmospheric refraction अब आप ये देखिएगा क्या होता है कि देखिए एक्चुअल में तो स्टार यहीं पर है एक्चुअल में स्टार यहीं पर है लेकिन लगता है ऐसे जैसे कि स्टार थोड़ा सा ऊपर हो ऐसा क्यों होता है ऐसा इस वजह से कि जो स्टार है स्टार जहां पर है जितनी ऊंचाई पर स्टार है वहां पर जो लाइट जो वहां पर जो एयर है उसकी डेंसिटी बहुत कम है एयर जो है वहां पर उसकी डेंसिटी बहुत कम है मतलब गैसेस बहुत कम है वहां पर जब गैसेस कम है तो इसका मतलब एयर क्या होता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस तो जब आप गैसेस को कम 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 करते चले जाओगे तो वो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बहुत कम रेयर मीडियम कहलाएगा फिर वो तो जब वहां से मेरे पास लाइट ऐसे 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 आती चली जाएगी तो होगा क्या कि वो जो लाइट है वो ज्यादा बेंड होगी क्यों क्योंकि हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रहे हैं लेकिन स्पेस कितना बड़ा है ये तो किसी को भी नहीं पता स्पेस तो बहुत ऊंचा है जो स्टार्स हैं स्टार्स से भी ऊपर था क्या स्पेस तो है ना तो क्या होता है कि ये जो लाइट आ रही है यहाँ पर ये लाइट ये यहाँ पर तो आ रही है अपना रेयर से धीरे 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 डेंसर मीडियम में आ रही है ठीक है लेकिन अगर आप थोड़ा और ऊपर की तरफ देखें तो होता क्या है कि ये जो रे ऑफ लाइट है हमारी लाइन ऑफ साइट क्या होती है यहाँ पर जो ह्यूमन आई का शुरू वाला पोर्शन था वो सिलेबस से कट चुका है मैं आपको बता देता हूँ वैसे आपको पता भी होगा कि जो नॉर्मल विजन होता है आई का वो होता है जो नियर पॉइंट होता है हमारा वो होता है 25 सेंटीमीटर के हम 25 सेंटीमीटर तक आराम से पढ़ सकते हैं और ज्यादा नजदीक लाएंगे पढ़ा जा सकता है लेकिन आपको पर जोर पड़ता है और जो हमारा फार पॉइंट है कि मतलब हम दूर से दूर कहां तक देख सकते हैं तो हमारा फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब हम इनफाइनाइट दूरी तक देख सकते हैं ठीक इससे क्या समझ में आता है कि जो स्पेस है वो तो न जाने कितना ऊंचा है तो हमारी नजर जाती है बिल्कुल ऊपर तक तो जब हम ऊपर तक देखते जाते हैं तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट जो यहाँ से जा रही है तो वो कहाँ जा रही है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है और जो ये रे ऑफ लाइट है जो स्टार से आ रही है ये रेयर से डेंसर में आ रही है तो जब हम डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं तो ये जो लाइट है इस लाइट का पाथ भी तो रिफ्लेक्ट होगा कहाँ इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल नॉर्मल किसी भी इंस्टेंट पर आप देखें नॉर्मल क्या होगा परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर से दूर की तरफ भागेगा ये तो दूर की तरफ जितना जितना भागता जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्टार जो है वो हमको ऊंचा दिखाई देगा बताइए जी इतना समझ में आ गया बताइए क्लियर है यस सर श्योर है क्लियर है यस सर यस सर लक्ष्य है काव्या काव्या यस सर क्लियर है रुचि यस सर यस सर श्रीजा यस सर ठीक है मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखवाए हैं ये नोट कर लीजिएगा उसके साथ साथ ये डायग्राम जरूर बनाना हमने क्या कहा कि एक्चुअली सन की जो स्टार है स्टार की पोजीशन यहाँ पर है तो ये लाइट आप कहेंगे सीधी भी तो आ सकती है ये बेंड इस वजह से हो रही है क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ आ रही है एक रेयर मीडियम से धीरे 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 डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो कहाँ तक जाता है इन्फिनिटी तक बहुत दूर तक ठीक है यानी कि वो स्टार से भी ऊपर तक जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है वो जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम तक तो जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो ऑब्वियसली जो ये रे ऑफ लाइट है ये रिफ्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ हो जाएगी ठीक है इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इट विल गो हायर हायर एंड हायर दैट्स व्हाई जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की वो मेरे को थोड़ी सी हायर दिखाई देती है ऊंची दिखाई देती है और ये चीज हम जमीन पर रहते हुए अर्थ पर खड़े हुए हम इस चीज को नहीं बता सकते ये चीज पता कैसे चली थी ये चीज पता तब चली थी जब एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाने लगे स्पेसशिप में तो उन्होंने नीचे से अंदाजा लगाया और देखा कि अच्छा ये जो हमारा स्टार है ये इतनी ऊंचाई पर है और जैसे 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 वो ऊपर जाते गए तो अगर मान लीजिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये यहाँ से 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है
तो जब वो ऊपर पहुंचे 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, जब वो पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां तो एक्चुअली स्टार था ही नहीं, और तब देखा तो स्टार बहुत ऊपर दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज अर्थ से जितनी दूरी पर दिखाई देती है एक्चुअल में वो उतनी दूरी पर नहीं होती, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसकी एक इमेज बन जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये स्टार की एक इमेज बनी हुई है जो हमको रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा ऊपर बनी हुई दिखाई देती है। समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी, अब जरा देखेंगे अगला जो है कॉन्सेप्ट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये भी इम्पोर्टेंट है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बस मुझे एक मिनट का। एडवांस सनराइज का मतलब क्या है कि जब सनराइज होती है तो उससे जरा सा पहले मतलब लगभग स्टडी के अकॉर्डिंगली लगभग लगभग 2 मिनट पहले सूरज हमें, मतलब सूरज निकलने से पहले, सनराइज से पहले 2 मिनट पहले ही हमको दिखाई देने लगता है। तो सूरज तो दिखाई नहीं देता जब वो निकला ही नहीं है, जब सनराइज हुआ ही नहीं है तो सूरज तो नहीं दिखता, तो फिर क्या दिखता है? उसकी इमेज दिखाई देती है। उसी तरीके से डिलेड सनसेट का मतलब क्या है? डिलेड सनसेट का मतलब यह है कि जब सूरज छुप भी जाता है ना, उसके 2 मिनट बाद तक भी वो मुझे दिखाई देता रहता है। तो इसका मतलब वो एक्चुअल में सूरज नहीं होता जो मुझे दिखाई देता है, वो उसकी इमेज दिखाई देती है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नोट करिए पहले, व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होराइजन, व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो, when the sun is slightly below the horizon, when the sun is slightly below the horizon, then the sun's light coming from, then the sun's light coming from, then the sun's light coming from less dense layer, less dense layer, than the sun's light coming from less dense layer to more dense layer, to more than the sun's light coming from less dense air to more dense air, to more dense air is refracted downwards, is refracted downwards, is refracted downwards as it passes through the atmosphere. As it passes through the atmosphere, as it passes through the atmosphere, next point likhenge, because of this atmospheric refraction, because of this atmospheric because of this atmospheric refraction, the sun appears to be raised, the sun appears to be raised above the horizon,
appears to be raised above the horizon. Above the horizon. When it is actually slightly below the horizon, when it is actually slightly below the horizon, slightly below the horizon. Horizon क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम समंदर के किनारे कहीं पर खड़े हुए हैं और हम लगातार दूर तक समंदर को देखने की कोशिश करते हैं तो जहां जहां तक हमारी नजर जाती है वहां वहां तक हमको समंदर ही समंदर नजर आता है। तो आप ये देखिएगा कि एक दूर जहां पर बिल्कुल लास्ट पॉइंट अगर हम उसको इंफिनिटी बोले या फार पॉइंट बोले अपने विजन का, तो आप ये देखिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे समंदर नीचे से ऊपर की तरफ उठ गया है और आसमान ऊपर से नीचे की तरफ उठ गया है, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है और हमें समंदर और आसमान मिलता हुआ नजर आता है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं होराइजन। ठीक है, वो होराइजन पॉइंट जो है वो एक्चुअल में होता क्या है कि जो सन है, हाँ, जो मतलब लैंड है, जो जमीन है, जमीन को अगर हम दूर दूर तक देखने की कोशिश करें तो ज्यादा दूर तक ही देख पाएंगे। पता चला 100 मीटर या 200 मीटर के बाद ही रोड जो है हम थोड़ा सा टर्न ले लिए, या आगे कोई पेड़ है या आगे कोई बड़ी बिल्डिंग है, तो मैं ज्यादा दूर तक नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम सी की बात करते हैं तो सी में कुछ भी नहीं होता, दूर दूर तक, दूर दूर तक जहां तक हम देखेंगे हमें समंदर ही समंदर नजर आएगा। तो वो जो लास्ट पॉइंट होता है होराइजन, वहां पर एक्चुअली क्या होता है, वो अर्थ का हमें कर्व दिखाई देता है कि इसके बाद अर्थ जो है वो कर्व शेप ले रही है, तो इस वजह से हम उस पॉइंट को होराइजन बोल देते हैं कि लास्ट तक मुझे वहां तक दिखाई देता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम तो ऑब्जर्वर हैं, हमारी आई यहां पर है, हमारी आई यहां पर है और आप ये देखिएगा कि इधर होराइजन है और सन एक्चुअली कहां पर है, होराइजन से नीचे है। तो होता क्या है कि जब सन होराइजन के जस्ट नीचे होता है ना, थोड़ा सा नीचे होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो रे होती है वो जो लाइट रेज ट्रेवल करती है, सनलाइट की जो रेज ट्रेवल करती है वो कहां से कहां ट्रेवल करती है, फ्रॉम लेस डेंस एयर यानी कि रेयर मीडियम से टू मोर डेंस एयर, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है। तो जो रे ऑफ लाइट यहाँ पर टकराएगी, इट बेंड्स, ये एक तरह से नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो रे ऑफ लाइट इसकी है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल एक्ट करेगी और जो सन है वो जो स्पेस है जो हमें समंदर दिखाई दे रहा है तो वो भी तो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, आगे हमको बिल्कुल खाली स्पेस ही स्पेस है, कोई चीज अटकी हुई नहीं है वहां पर, और दूर दूर तक जो हमको आसमान भी मिलता हुआ नजर आता है वो भी एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस को जब हम बहुत दूर तक हम देखते हैं तो वो एक लेंस की तरह काम करता है, तो जब वो एक लेंस की तरह काम करेगा तो हम ये कहेंगे लेस डेंस एयर से मोर डेंस एयर में जब लाइट रेज ट्रैवल करनी है तो हमें इसकी जो इमेज है, सन की जो इमेज है वो रिफ्रैक्ट होकर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हमको ऊपर बना हुआ दिखाई देता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज को, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितना मैंने इतना लिखवा दिया ना ये और ये इतना मेंशन कर देना कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, तो इस वजह से सूरज उगने से पहले ही 2 मिनट पहले मुझे दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब सूरज उगता है तो वो होराइजन से थोड़ा सा ही नीचे होता है, तो वहां पर लेस डेंस एयर होती है और यहाँ पर थोड़ी ज्यादा डेंस एयर होती है, तो इस वजह से वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे ट्रैवल करेगी तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो लाइट रेज है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। जी सर, शुरू में लाइट रे ऐसे आनी चाहिए थी लेकिन वो ऐसे ना आकर वो ऐसे आती है, यहां से इस तरह से ऊपर की तरफ बेंड कर जाती। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है बेटा,
आज फिर इतना ही करेंगे. नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट इसमें बचा हुआ है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ट्रिपल इफेक्ट है. तो कल तक ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप प्रिपेयर रहिए और नेक्स्ट इसी का टेस्ट होगा. चलिए जी, ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. हाँ जी बताइए सर, टेस्ट कब होगा? मैं आपको बता दूंगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. मैं आपको 2 से 3 दिन का टाइम दूंगा, फिर आपका टेस्ट होगा. ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर.